पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महाभारत 2024 है। देखिए, चुनाव तो बीत गया, लोकतंत्र की जो खूबसूरती थी वो हमने देखी, किस तरीके से लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। लेकिन अब ये चर्चा है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। 2019 में जो परिस्थितियां थी उसके इतर अब 2024 में क्या आरजेडी बढ़त बनाती हुई दिख रही है या फिर जदयू को लॉस होगी। महाभारत 2024 में आज इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का जो जिन की बात करते हैं कि ईवीएम से जिन निकलेगा, अचानक से बहुत सारे सीटों पर बदलाव हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव ने इस बार एक प्रयोग किया। जो अपने कोर वोट बैंक है MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादवों का समीकरण, उसमें अब A to Z के समीकरण को जोड़ा। और हमने देखा कि कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जिन सीटों पर जो जातीय समीकरण था उसके इतर उन्होंने कुशवाहा समाज के बड़े वोटरों को, बड़े मतलब नेताओं को वहाँ पर जो है वो टिकट दिया है, और टिकट देने से बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कुशवाहा क्या अब जो लालू प्रसाद यादव के साथ विश्वास जताते हुए नजर आएंगे, क्या लॉकुश समीकरण जो जदयू की एक बड़ी समीकरण कही जाती है, जदयू इस भरोसे बिहार में अपनी सरकार बनाते आई है, वो लालू प्रसाद यादव के तरफ टर्नआउट हो गई है क्या? क्या जिन निकलने की बात जो कही जा रही थी वो निकलेगी? महाभारत 2024 में आज इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। नीतीश कुमार को झटका लगने वाला है, लालू का जिन निकलने वाला है, किन किन सीटों पर ऐसा होगा? देखिए, कम से कम 7 से 8 सीट ऐसी है जिस पर नीतीश कुमार के माथे पे बल ला दिया है लालू प्रसाद यादव ने। अच्छा, नीतीश परेशान है। पहले MY से परेशान थे, अब माइकम मतलब MY KM कुशवाहा और मल्लाह, तो उसको एक नया भर्व दिया गया, है माइकम। नीतीश ने माइकम के, नीतीश माइकम से है परेशान। अब माइकम लोग पूछते हैं क्या है, लोगों को बताने में बड़ा मुश्किल होता है। एम से मुस्लिम, वाई से यादव, के से कुशवाहा, फिर एम से मल्लाह, जी माइकम। तो अब इस चीज़ से वो परेशान है। सबसे पहले आप बात कर लीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सीट है जो नीतीश कुमार के लिए बहुत परेशानी है, जो नीतीश कुमार का कि नाक के बाल की है, जहानाबाद। जहानाबाद में समझिए एक तरह से नीतीश ही लड़ते हैं वहाँ, भले पार्टी कैंडिडेट कोई हो लेकिन मैनेजमेंट सारा नीतीश का रहता है। चाहे वो, अब देख लीजिए, अरुण कुमार को भी उन्होंने वहाँ से लड़ाया, जगदीश शर्मा को भी लड़ाया, अनिल शर्मा को भी लड़ाया, पिछली बार चंद्रशेखर चंद्रवंशी को लड़ाया था, और 1751 वोट से उन्होंने वहाँ जीत हासिल की थी, और इस बार फिर वही हैं चंद्रवंशी, और फिर वहाँ से सुरेंद्र यादव हैं। और पिछली बार की अपेक्षा इस बार सुरेंद्र यादव की स्थिति इसलिए मजबूत दिख रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि अरुण कुमार खड़े हो गए हैं। अरुण कुमार वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार बहुल क्षेत्र है जहानाबाद, और इन सब कारणों से इस बार चंद्रशेखर चंद्रवंशी को थोड़ा सा परेशानी करना हो रहा है। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने बैठक की अपने नेताओं के साथ, सारे JDU के बड़े जो सुपरस्टार हैं, स्टार प्रचारक तो आपने सुना होगा, सुपरस्टार विजय चौधरी, अशोक चौधरी, और LKM के किंग महेंद्र के भाई हम भोला बाबू भी आ गए। उन्होंने भी गांव में जाके एक तरह से लोगों के बीच में कहा, जो इनसे जो गलती हुई है उसके वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। तो एक तरह से कहें, जो अभी रस्साकसी चल ही रही थी, इसी बीच में चुनाव हो गया, लेकिन अभी ये कोई नहीं कन्फर्म कर पा रहा है जो वहाँ जीत किसकी होगी। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जोर घटाओ गुना भाग करने में लगे हुए हैं, बूथ से अपना सब कुछ मंगवा रहे हैं, कैंडिडेट से, पोलिंग एजेंट से सब कुछ मंगवा रहे हैं, उसके बाद भी कोई यह करने को तैयार नहीं है जो चंद्रशेखर चंद्रवंशी जीत रहे हैं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जीत रहे हैं। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव तो कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे हैं, जो हम तो जीत चुके हैं। दूसरी सीट है पूर्णिया। पूर्णिया तो काफ़ी चर्चित है, पप्पू यादव वहाँ से लड़े, एक तरह से कहें जो पप्पू यादव निर्दलीय लड़े, वो तो गए थे कांग्रेस की सीट पर समझ के, उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन किया था, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, लालू प्रसाद यादव ने यहाँ गेम कर दिया, उनको लगा जो अगर ये जीत जाएगा तो ये यादवों का नेता बन जाएगा, तब मेरा बेटा कहाँ जाएगा, तो वो पुत्र मोह में कहें जो हस्तिनापुर नरेश टाइप से हो गए, वो तो हस्तिनापुर नरेश
टाइप से हो गया जो हस्तिनापुर चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन हम दुर्योधन को ही राज देंगे जी। हाँ तो वैसी स्थिति में पूर्णिया की सीट रातों रात बीमा भारती को जेडीयू से बुला करके टिकट दे दिया गया। पप्पू यादव भी लड़ते रहे, संतोष कुशवाहा एकदम गौंद से हो गए, वो तो पता ही नहीं चला जो संतोष कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे हैं। बीमा भारती के लिए तेजस्वी पप्पू यादव खुद अकेले भारी थे तेजस्वी यादव पे, मतलब तेजस्वी यादव ने 30-32 विधायकों के साथ वहाँ पे कैंप किया पप्पू यादव को हराने के लिए। भाषण भी सुना ही होगा आपने, तो नहीं नहीं हमको तो एनडीए को दे दीजिए लेकिन पप्पू को मत दीजिए, या तो इंडिया या एनडीए। हाँ तो इसलिए ये भी सीट है जो एकदम कहें जो पूर्णिया जो है सो जेडीयू की फंसी हुई सीट है डायरेक्ट आरजेडी के साथ, लेकिन यहाँ आरजेडी कहना बेकार होगा, बेमानी होगा क्योंकि आरजेडी तो रेस से बाहर हो गई है बीमा भारती। अब यहाँ पप्पू भर से संतोष कुशवाहा हो गया। तीसरी सीट है किशनगंज, किशनगंज में जो है कांग्रेस के पास वो सीट थी जी। अब कांग्रेस के पास वो सीट थी तो अब वो मुजाहिद आलम भर से मोहम्मद जावेद है इस बार, तो मतलब कहें जो मोहम्मद जावेद इस बार मतलब देखें इस बार हमको लगता है जो कांग्रेस को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कांग्रेस की सीट पहले मतलब पिछली बार जीत गए लेकिन इस बार कमज़ोर दिख रही थी, तो हमको लगता है इस बार जेडीयू इस सीट पर, हमको लगता है जो जेडीयू की यही एक सीट है जो अभी लगता है अभी जो हम लोग जितनी सीट पर बात किए हैं उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब आ जाइए कटिहार पर, अब कटिहार में तारिक अनवर हैं और दूसरे हैं आपको दुलालचंद गोस्वामी, यहाँ भी कांग्रेस यहाँ भी जेडीयू सीधी टक्कर में है। अब कांग्रेस को इसलिए भी कहा जाता है घटक दल आरजेडी का महागठबंधन का क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ भी डायरेक्ट फाइट है, लेकिन कटिहार में तारिक अनवर फाइट में कहीं हमको नहीं लगता दिखे होंगे आपको भी जी। वो कल टिकट तो लेके चले जाते हैं, लड़ के चले जाते हैं फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं। शिवहर की सीट मुझे लगता है कि शिवहर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, लवली आनंद वहाँ कहें तो लवली आनंद नहीं आनंद मोहन लड़ रहे हैं, आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद लड़ रहे हैं, लवली आनंद तो केवल साथ में घूम रही हैं और आनंद मोहन का जो वहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो लोग सभी भली भांति परिचित हैं, वहाँ पे जेडीयू के ये हैं और आरजेडी से रितु जायसवाल हैं, वो बीजेपी की सीट थी बीजेपी से वो सीट नीतीश कुमार ने ले लिया और ले लिया तो अब देना था किसी को क्योंकि इन्हीं के लिए लिया गया था, लवली आनंद के लिए आनंद मोहन के लिए लिया गया था क्योंकि जो सरकार बची इनकी उसमें चेतन आनंद का बहुत बड़ा योगदान था, चेतन आनंद सिद्धार्थ ऐसे तरीके सरीखे लोग थे, नीलम देवी ये सब जो आकर के इन्होंने एक तरह से अचानक सब सुबह सुबह विधानसभा में लोग घुसे और सत्ता पक्ष की ओर जाके बैठ गए विपक्ष वाले लोग, तो लोगों को आश्चर्य लगा। तो इसलिए यहाँ की सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रमा देवी नाराज हैं, या रमा देवी नाराज कहें नहीं तो एक चीज़ ये कहते कोप भवन में उन्होंने अपने आप को डाल दिया है, न उन बाहर की से बात कर रही हैं, न वो कैंपेन कर रही हैं, न किसी से चुनाव के बारे में चर्चा कर रही हैं। और रमा देवी का इस ये जो नेचर है ये कैरेक्टर देख करके उनके जो समर्थक हैं वो भी आश्चर्य में हैं, वो भी नाराज हैं। और शिवहर के सीट का असर पड़ता है आपको सीतामढ़ी और चंपारण के सारे सीटों पर लगभग, तो एक तरह से कहें यहाँ लड़ाई में है। लोग तो कह रहे हैं जो आरजेडी यहाँ 20 पड़ रही है क्योंकि जो आनंद मोहन का जो नेचर है उनका जो स्वभाव है उस कारण से बीजेपी के लोग काफ़ी नाराज हैं क्योंकि सबसे वो तैस में ही बात करते हैं आवेश में ही बात करते हैं, इसलिए बीजेपी के ग्रासरूट लेवल तक के जो नेता हैं मतलब विधायक से लेकर के कार्यकर्ता लोग तक लोग नाराज हैं। इसका खामियाजा आनंद मोहन को भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ेगा, अभी तो पड़ रहा है, 4 तारीख को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो करेगा। दूसरी सीट है सीतामढ़ी देवेश चंद ठाकुर है। हाँ देवेश चंद ठाकुर हैं जी। तो देवेश चंद ठाकुर को ये सीट दिया गया है बीजेपी से लेकर के जेडीयू ने लिया है, यहाँ बीजेपी से सुनील जेडीयू से थे सुनील कुमार पिंटू और पिंटू से ये सीट लिया गया है, पिंटू भी वैश्य जाति से आते हैं, यहाँ पे अमित शाह को आके कहना पड़ा कि मैं भी बनिया का बेटा हूँ, कहीं ना कहीं उनको ये शब्द कहने के लिए स्क्रिप्ट सीतामढ़ी के देवेश चंद ठाकुर ने दिया होगा क्योंकि ये शब्द देश का गृह मंत्री जाति पाति की बात अगर करता है तो समझिए स्क्रिप्टिंग वहाँ लोकल लेवल पे हुई है, स्क्रिप्टिंग अगर लोकल लेवल पे हुई है तो इसके लिए अमित शाह को वहाँ कर, तो वहाँ भी अर्जुन राय ओबीसी
EBC यादव मुस्लिम अर्जुन राय वहाँ से MP भी रहे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में सीतामढ़ी का सीट भी फंसा हुआ है नीतीश कुमार का। मतलब एक चीज़ आप जान लीजिए रत्नेश, जो इस चुनाव में RJD के पास और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो जीरो से स्टार्ट कर रही है। 40 में 39 सीटें NDA के पास थी, तो एक सीट कांग्रेस के पास, तो अगर इसको दो सीट भी मिलती है तो ये तो गेन हुआ ना इनको। और नीतीश कुमार के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। नीतीश कुमार की जितनी सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस सीटों में से अगर 2-3 ही अगर लूज कर जाते हैं, जो अभी तक सर्वे में जो आया है, जो नीतीश कुमार के 16 में से 12 सीट ही जीत पा रहे हैं, वैसी स्थिति में 4 सीट लूज कर रहे हैं। हो सकता है हम ही लोग में से जो हम लोग जो 8 सीट बात कर रहे हैं उसी में से कोई 4 सीट लूज कर जाए। एक सीट इम्पोर्टेंट सिवान है, सिवान की सीट है। सिवान कभी RJD का गढ़ हुआ करता था, शहाबुद्दीन यहाँ के रॉबिन हुड हुआ करते थे, साहब के रूप से परिचित, साहब बीबी और गैंगस्टर के रूप में इस बार यहाँ हो रहा है। एक साहब है, एक बीबी है और एक गैंगस्टर है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा रमेश कुशवाहा की पत्नी है, रमेश कुशवाहा वहाँ के पुराने नक्सली रहे हुए हैं, लाल झंडा गाड़ने में वो एक तरह से मशहूर थे, लाल सलाम उसी लाल से भड़क कर जो जमींदार ब्राह्मण भूमिहार राजपूत गए थे शहाबुद्दीन के पास। शहाबुद्दीन का जन्म उदय रमेश कुशवाहा ने ही करवाया था, मतलब शहाबुद्दीन तब बना जब रमेश कुशवाहा से लोग उबरना चाहते थे और लोग शहाबुद्दीन की शरण में गए। बाद में शहाबुद्दीन ने उनको रक्षा दिया, उनकी जमीन विरासत बचाई और बाद में वो रास्ता भटक गए तो बहुत दूर तक चले गए, MLA बने, MP बने, और एक तरह से कहें बाद में जिस तरह से अभी लालू प्रसाद यादव ने उस परिवार से मुंह मोड़ लिया, तो इस बार हेना साहब लड़ रही हैं। हेना साहब इस बार एक कंधे पर चुनरी, एक कंधे पर बुरका लेकर चल रही हैं, तो एक तरह से कहें जो वो एक हिंदू सेंटिमेंट को भी अपने साथ लेकर चल रही हैं। नॉमिनेशन के दिन उन्होंने पूजा अर्चना की, नॉमिनेशन के दिन उन्होंने गणेश पूजा किया, फिर उसके ठीक नॉमिनेशन से हमको लगता है एक महीना पहले रामनवमी था और जो नवरात्रि था, हाँ नवरात्रा, तो नवरात्रा में उन्होंने कन्या पूजन भी कराया, कन्या को खिलाया भी एक तरह से कहे। और लोग तो यह भी कह रहे हैं जो हेना साहब को अंदरूनी सपोर्ट NDA का है। हाँ लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकल पंडित, तो लोकसभा चुनाव के बाद हेना साहब निर्दलीय नहीं रहेंगी, किसी न किसी दल के गाड़ी में वो बैठेंगी। और गाड़ी कौन सा है, एक ही मात्र गाड़ी है, BJP में बैठेंगी नहीं। RJD ने उनको टिकट दिया नहीं, तो एक ही बस पीछे से आ रही है, JDU की बस, अंतिम बस वही है, तीर वाली। हाँ और एक बस ने कहा है जो मेरे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं, कोई सीट नहीं है, रिजर्व सारा सीट बुक हो गया है LJP, तो एक ही सीट, एक ही गाड़ी बची है JDU की बस। तो नीतीश कुमार हो सकता है उसी बस में इनको जगह दे दे, और जगह दे दे तो हो सकता है अच्छी सीट मिल जाए। अच्छी सीट का मतलब समझ रहे हैं जो हो सकता है अगर लोकसभा ना जीते तो MLC तो जरूर बनाई जा सकती है JDU की तरफ से, क्योंकि JDU को मुस्लिम से परहेज नहीं है, BJP को ना परहेज है, तो वैसे BJP को भी परहेज नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन टाइप के सलीखे लोग वहाँ पर बहुत ऊँचाई पर पहुँच चुके हैं, तो इसलिए हेना साहब जीतती है तो बहुत अच्छा, हार के भी जीत जाती है वो, हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं हेना साहब कहते हैं किसी न किसी पार्टी में, और खास तौर पे। और ये इसलिए हो रहा है पूरे प्लानिंग के तहत, जो जिसको दिखाया जाएगा, जो जिसको लालू प्रसाद यादव और 10 सर्कुलर रोड ने उसको दुत्कारा, उसको नीतीश कुमार ने पुचकारा। हाँ तो इसी को लेकर के लगता है जो ये जो सीटें हैं, लगभग 8 सीटें हैं, ये 16 सीट पे ये लड़ रहे हैं JDU, जिस पे 8 सीटों पर एकदम डायरेक्ट फाइट है, और 8 सीटों पर जो हार जीत का फैसला होगा विद इन 25,000 है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अब बस 24 से 36 घंटे की बात है। आज 2 तारीख बीत गया, कल 3 तारीख है, और परसों 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कल का दिन बहुत क्रूशियल दिन है। कल का दिन हो सकता है जो अपने अपने प्रत्याशी जो अपने अपने स्ट्रैटेजी, अब क्या स्ट्रैटेजी तय करना है, अब तो केवल रिजल्ट सुनने का स्ट्रैटेजी तय करना है। यही 8 सीट है। चलिए ये 8 सीटें हैं जहाँ पर जिन निकलने की बात कही जा रही थी, तो क्या होता है ये 4 तारीख को देखेंगे। अब से
48 घंटे के बाद से यहाँ के चुनावी रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, चर्चाएं और विश्लेषण लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।